भाई बिग बॉस का घर है, हर रोज कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। अब दोस्त दुश्मन बन रहे हैं और कुछ दुश्मन है जो कि दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। यही बिग बॉस का घर है। एक दिन भी लड़ाई ना हो ना तो उसे आप बिग बॉस का घर नहीं कह सकते। आप अगर किचन में अपनी ड्यूटी भी नहीं कर देना तो भी लड़ाई हो जाती है। आपने एक परांठा ज्यादा बना दिया ना तो उसके लिए भी आपको पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल इस वक्त बिग बॉस का 17वां सीजन चल रहा है और उसे शुरू हुए 59 दिन हो चुके हैं और इन 59 दिनों में बिग बॉस और घर वालों का जो गेम है वो काफी इंटेंस हो गया है। लेकिन होता है ना कि हर हफ्ते नॉमिनेशन का स्पेशल टास्क होता है, हर हफ्ते एलिमिनेट होने के लिए कोई एक सदस्य एलिमिनेट होता है हर हफ्ते, जिसके लिए प्रक्रिया कराई जाती है। बिग बॉस एक स्पेशल नॉमिनेशन टास्क रखते हैं और उसमें काफ़ी नाम सामने आते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में जैसे वोटिंग कम मिलती है ये डिसाइड किया जाता है कि कौन इस बार घर से बेघर होगा। तो इस हफ्ते का भी वोटिंग ट्रेंड सामने आ गया जिसमें पता चला है कि किसे ज़्यादा वोट्स मिल रही है, किसे कम वोट्स मिल रही है, कौन सेफ है और कौन डेंजर जोन में है। तो हमने सोचा क्यों ना आपको बता दिया जाए कि इस हफ्ते कौन शायद घर से बेघर हो सकता है। तो नॉमिनेशन टास्क हुआ, बहुत ही क्लासिक वे में हुआ था, जैसे बिग बॉस करते हैं ना इनके कंटेस्टेंट को बुला लेते हैं वैसे ही हुआ। और फिर एक एक करके कंटेस्टेंट्स को बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि आप किसे नॉमिनेट करना चाहेंगे, तो सब ने एक एक करके अपना अपना मतलब जिन्हें वो करना चाहते हैं उनका उन्होंने नाम दिया और ज़्यादातर लोगों ने अभिषेक का नाम दिया। मतलब ज़्यादा वोट्स 7-8 वोट शायद अभिषेक कुमार को मिली थी। उसके बाद जो 4 कंटेस्टेंट्स यानी कि 3 कंटेस्टेंट्स जिसके नाम सामने आए थे वो अभिषेक कुमार, खानजादी, विकी जैन, इन तीनों के नाम सामने आए थे। लेकिन नील भट्ट भी नॉमिनेटेड है क्योंकि विकी जैन ने खेल खेल दिया था जिसमें उन्होंने अनुराग डोभाल को रिवोक कर दिया था और नील भट्ट हमेशा के लिए अब नॉमिनेटेड है थ्रू आउट द सीजन। तो ये 4 लोग हैं, विकी जैन, नील भट्ट और खानजादी और अभिषेक कुमार, ये इस हफ्ते के लिए नॉमिनेटेड है। तो अब इनके बेसिस पर वोटिंग ट्रेंड सामने है और वोटिंग ट्रेंड अगर आपको बताएंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। अब वोटिंग ट्रेंड में क्या हुआ है आपको बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक अभिषेक को तकरीबन 27% वोट्स मिले हैं। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वोटिंग ट्रेंड में जो खानजादी है वो दूसरे नंबर पर है। जी हाँ, खानजादी को दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वोट्स मिल रहे हैं। सबसे पहले अभिषेक को मिले हैं, अभिषेक को 27 मिले हैं, तो खानजादी को 25% वोट्स मिल रहे हैं। वही विकी जैन और नील भट्ट की बात की जाए तो ये दोनों डेंजर जोन में हैं। डेंजर जोन में इसलिए क्योंकि दोनों को तकरीबन 23-23% वोट्स मिले हैं, यानी कि बराबर में है। कभी विकी जैन का पलड़ा भारी हो रहा है तो कभी नील भट्ट का पलड़ा भारी हो रहा है। अब दोनों डेंजर जोन में नजर आ रहे हैं। अब नील क्योंकि उनको सबसे कम वोट्स मिलते हुए ऐसे दिखाई दे रहा है इसलिए उनके एलिमिनेट होने के जो चांस है वो ज़्यादा है। हालांकि अब ये जो वोटिंग लाइंस है वो बंद नहीं हुई है, उनके बंद होने में समय है, तो ऐसे में अब इन आंकड़ों में बड़ा हेर फेर भी हो सकता है। तो फिलहाल ये सब चीज़ें सामने आ रही है। सबसे पहले नंबर पर अभिषेक को ज़्यादा वोट्स मिले, दूसरे पे खानजादी, तीसरे पे विकी जैन और चौथे नंबर पर नील भट्ट है, जिसके बाद ये कैस लगाए जा रहे हैं कि शायद नील भट्ट इस हफ्ते आप कह सकते हैं कि एलिमिनेट हो सकता है। लेकिन फिर ऐश्वर्य शर्मा का क्या होगा? फिर अगर नील भट्ट चले जाएंगे तो क्या ऐश्वर्य शर्मा की इंडिविजुअल गेम हमें देखने को मिलेगी या फिर इस हफ्ते कोई एलिमिनेशन होगा ही नहीं? आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट करके बताएं और आपको किसकी गेम अच्छी लगती है इन चारों में से वो भी हमें ज़रूर बताएं। और तमाम इस और जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यूज़बुक के साथ जुड़े रहें।